खम्मागणी दोस्तों, जय भवानी और बम बम भोले। आज होली का त्यौहार है और मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ विस्की के आज के इस एपिसोड के अंदर। और आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं हमारे इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि दोस्तों हमेशा हम बियर विस्की का ही रिव्यू करते थे, लेकिन आज आप सोचेंगे कि क्या ये लवाजमा लेके आया हूं मैं, क्या चीजें हैं जो मैंने मेरे टेबल पे रखी हुई है। तो दोस्तों आज होली का त्यौहार है, होली का दहन आज है, और जो खेलने वाली होली है जिसे हम दुलंडी भी कहते हैं, जो रंगों के साथ खेली जाती है, वो कल है। लेकिन होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, हम हमारे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करते हैं कुछ पीके। पीने का मतलब है विस्की, बियर, रम नहीं। सिर्फ पीने का मतलब यह है कि हम भांग का भी इस्तेमाल करते हैं, भांग को पीते हैं, और भांग को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है होली का। तो आज मैं सोच रहा था दोस्तों, क्यों ना आप सब लोगों को भांग बनाना सिखाऊं मेरे इस एपिसोड में। तो ये सारा लवाजमा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, और आप लोगों को बताऊंगा कि अच्छी ठंडाई जो भांग से बनती है कैसे बनाई जाती है, और कैसे हम उसको पी सकते हैं। और इस वीडियो के एपिसोड में मैं अंत के अंदर आपको यह भी बताऊंगा, अगर आपको भांग का नशा ज्यादा हो गया है तो आप उसको कैसे उतार सकते हैं, बिकॉज विस्की और बियर को उतारना थोड़ा आसान है, इसके लिए नुस्खे थोड़े अलग चाहिए। तो शुरू करते हैं हम आज का सफर, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स काम आएंगे भांग को बनाने के लिए। दूध का इस्तेमाल करेंगे हम, बादाम का इस्तेमाल करेंगे, बादाम थोड़ी बड़ी है दोस्तों, लेकिन इसको हम कतरन के अंदर काटेंगे। पिस्ते ऑलरेडी मैं कतरन के अंदर काट चुका हूँ, छोटे कर चुका हूँ। उसके अलावा जो किशमिश है, किशमिश भी छोटी वाली मैंने ले रखी है। फ्रूट्स के अंदर मैं लूँगा अंगूर, इसको भी मैं छोटा करूँगा, बिकॉज कई लोगों को पसंद है च्यू करना, मुझे च्यू करना पसंद नहीं है। इसके अलावा आप जो काजू है वो भी डाल सकते हैं, अंजीर है, अंजीर भी डाली जाएगी इसके अंदर। बनाना है, बनाना का भी इस्तेमाल मैं करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे काम आएगी वो है भांग। भांग जो होता है बेसिकली दोस्तों पत्ते होते हैं, उनको घिसा जाता है, बाटा जाता है हमारी राजस्थानी भाषा में, और ऐसा पेस्ट बनाने के बाद ग्रीन सा, ये थोड़ा लिक्विड सा हो जाता है, और वो भांग होती है। ये पर्टिकुलर भांग 5 से 6 लोगों के लिए सफिशिएंट है 1 किलो दूध के अंदर, बट मैंने दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम ली, थोड़ी हार्ड बनाना चाहता हूं मैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सफर होली के अंदर, होली के साथ विद व्हील्स ऑफ विस्की। चलिए दोस्तों सबसे पहले जो चॉपिंग वाला काम है वो चॉपिंग वाला काम मैं कर लेता हूं, और चॉपिंग में मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जो बादाम है उसको चॉप करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे को थोड़ा कम पसंद है जो बड़े टुकड़े हैं वो मेरे को थोड़े कम पसंद है, तो छोटे टुकड़ों के साथ ही मैं मेवों को डालूंगा इसके अंदर। बादाम डालेंगे इसमें, इसके अलावा हम डालेंगे पिस्ता, इसके अलावा है जो किशमिश वो हम डालेंगे, अंगूर है, अंजीर है, और उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है भांग। दूध का इस्तेमाल हम करेंगे, केला भी हम डालेंगे, और ये जो मैंने काट लिए थे बादाम थोड़े पतले वो है, ये सारी चीजें हम डालेंगे इसके अंदर। सबसे पहले जो बाउल है, बाउल के अंदर हम दूध को डाल लेंगे, गाय के दूध का इस्तेमाल किया गया है मैंने, और मेरे हिसाब से जो गाय का दूध है वो ही ज़्यादा बेहतरीन रहता है। उसके बाद जो ये सूखे मेवे मैंने डाले थे, बनाए थे थोड़े बहुत बादाम अंजीर के, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगा। अंजीर को थोड़ा सा और तोड़ लेता हूँ। उसके बाद जो किशमिश है वो थोड़ी आप किशमिश में डाल लीजिए। देखिए सूखे मेवे सब आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको सूखे मेवे कितनी क्वांटिटी में डालने हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये डाला मैंने इसके अंदर पिस्ता, और उसके बाद जो बनाना है वो उस बनाना को हम काट के अंदर इसके अंदर डाल देंगे। फ्रूट्स तो आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको और कौन से फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है। अब केले इसमें डालने के बाद आप कर क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि आप केले को मैश कर सकते हैं ईजीली, जिससे कि पूरा घुल जाए। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है भांग। ये भांग मैंने आपको बताया था 5 से 6 लोगों की क्वांटिटी के लिए सफिशिएंट है, और अब इस भांग को इसके अंदर हम डाल देते हैं। देखिए ये कलर होता है भांग का बेसिकली, ये भांग भी हमने इसमें डाल दी है। ठंडाई हमारी थोड़ी मीठी हो जाए उसके लिए हम इसके अंदर सबसे एंड में डालेंगे थोड़ी बहुत चीनी, शक्कर, आप चाहें तो भूरा भी डाल सकते हैं। तो
कई लोग मिठास के लिए जो मिल्क मेड है, मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों को दोस्तों मैं और बता दूं कि जो भांग है वो कच्चे दूध के अंदर भी बनती है और पक्के दूध में बनती है। ये मैंने कच्चे दूध में बनाई है क्योंकि कच्चा दूध मेरे को ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू जो दूध हम पकाते हैं। बट कई लोग गैस पे गर्म करने के बाद, ठंडा करने के बाद भी ठंडा ही बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल ली है और उसके बाद अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। केले हैं, आप चाहें तो इसको पहले भी मैश कर सकते हैं, बट होता क्या है दोस्तों, ये तो अभी हम स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बना रहे हैं। जब बड़ी क्वांटिटी में बनता है तो सारी चीज़ें एक साथ डाल दी जाती है। कलर देखिए, कलर इस भांग का आने लग गया है बढ़िया। तो ये तो हो गया तरीका हमारा फेंटने का, लेकिन अब ट्रेडिशनल तरीके के साथ भी हम इसको मिलाते हैं। एक बार तो मैंने जो भांग है उसको इससे मिक्स कर दिया है मेहनत के साथ, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है भांग को मिलाने का वो अलग ही, और वो स्टार्ट होता है ग्लास और जग के साथ, क्योंकि जो मज़ा है भांग को मिलाने का वो इसी के अंदर है। थोड़ा बहुत गिरेगी, थोड़ा बहुत हिलेगी, बट अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों, बिकॉज़ मज़ा इसी के अंदर है। ट्रेडिशनल तरीके से अंदर भी जो भांग है उसको इसी तरीके से मिलाया जाता था, इसी तरीके से पी जाती होगी। और अगर आपने फेमस मूवी देखी हुई हॉलीवुड की डॉन, तो उसके अंदर एक गाना है जो भांग के ऊपर ही आधारित है, और भांग उसके अंदर बाटी भी जाती है और घोटी भी जाती है। तो होली का मज़ा चल रहा है तो क्यों ना भांग को पीने में मज़ा लिया जाए, भांग को बनाने के अंदर भी मज़ा लिया जाता है। चलिए दोस्तों, भांग हमारी तैयार हो गई है, टाइम है इसको टेस्ट करने का। आहा, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें आज नोजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, आपने इतने सारे मेवे इसके अंदर डाले हैं तो बहुत ही एक्सक्लूसिव बनी है भांग, बहुत ही बढ़िया बनी है स्वाद के अंदर। और नोजिंग पे भी आप देखेंगे तो जो सूखे मेवे हैं, बादाम है, पिस्ता है, उनका भरपूर टेस्ट आ रहा है, भरपूर नोजिंग नोट्स आ रहे हैं। और टेस्ट करके देखते हैं आगे टेस्ट कैसे है इसका। Not bad, बहुत ही शानदार बनी है, बहुत ही लाजवाब बनी है दोस्तों। तो ये था हमारा एक्सक्लूसिव होली का एपिसोड, जहां पे मैंने आपको भांग बनाना सिखाया, और इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। अब बात करते हैं कि यार हमें कितनी भांग पीनी चाहिए। देखिए, हर इंसान की जो बॉडी है वो अलग अलग तरीके से इस चीज़ को अडेप्ट करती है, किसी को एक ग्लास, किसी को दो ग्लास में भी भांग चढ़ जाती है। तो दोस्तों ये तो था भांग बनाने का तरीका, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आखिर भांग को उतारा कैसे जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि भांग पीनी कितनी चाहिए। हर इंसान की जो बॉडी वो अलग रहती है, जैसे मैं एक से डेढ़ ग्लास भांग पीता हूँ और मेरे को अच्छा सुरूर आ जाता है, लेकिन कई लोग जोश जोश के अंदर दो ग्लास चार ग्लास पी जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हवा निकलनी चालू हो जाती है। तो उस हवा को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा जिनको आप भांग पीने के बाद खा सकते हैं। अगर आपको भांग का नशा उतारना है, वो उतर नहीं रहा है, आप आपके सेंसेस में नहीं है, आप चाहते हैं कि यार जल्दी से उतर जाए, मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ, इसको पी के कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गया, तो आप जो चने हैं, चने का इस्तेमाल कर सकते हैं भांग पीने के बाद। वो चना करेगा क्या, आपका जो भांग का नशा है उसको कम कर देगा। उसके अलावा आप जो अमरूद होता है, अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ते डायरेक्टली तोड़ लीजिए पेड़ से, उसको धोइए और च्यू कर लीजिए, तो वो भी आपका जो भांग का नशा है उसको कम कर देगा और आप थोड़ा रिलैक्सिंग मोड के अंदर जल्दी आ जाएंगे। बिकॉज विस्की, बियर, इन सब का तो यार उतारा, जैसे कहते हैं हैंगओवर हम तरीके से उतार सकते हैं, मेडिसिन से भी या जो देसी नुस्खे हैं उसके साथ भी, बट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेरे को लगा मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज होली का त्यौहार कल है, तो क्यों ना हम आज से ही तैयारी कर लें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिससे भांग को उतारा जाता है, बट वो चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वो चीज़ आप मुझे बताएंगे मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर। बताइए साथ में कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, और जाने का टाइम हो गया है, टाइम टू से गुड बाय। आप सबको, आपके परिवार को, दोस्तों को, यारों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं व्हील्स ऑफ व्हिस्की के परिवार की तरफ से। और आप भी परिवार का हिस्सा हैं तो आपस में एक दूसरे को हैप्पी होली विश कर देते हैं। चलिए चलता हूँ और मिलते हैं जल्दी होली के बाद, तब तक एंजॉय करिए इस रंगों के फेस्टिवल को जिसका नाम है होली। बाय बाय, चीयर्स और बम बम भोले।